सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। परंतु जो है बाजार और किसान जो है ज़्यादातर मरे बाजार में उनते हैं, कहीं चक्कर है गई, कहीं कछु है गो, कहीं वो है गो, तो किसान तो परेशान है। महंगाई है, अब चल रही है सरकार मोदी जी के दो कार्यकाल देख रहे हैं, मगर इतना हम ज्यादा खुश हैं कि जहाँ हमारा देश गड्ढे में था, हमारे देश को कोई जानता भी नहीं था, आज हमारे देश को यानी कि बच्चा बच्चा जानता है। कहीं चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, सबसे ज्यादा परेशानी बाजारों से है। ये बाजारों से छुटकारा मिल जाए तो किसान रहेगा स्वतंत्र, तो रहेगा। बीजेपी 10 साल से इधर है, कोई लाभ हो या ना हो, कछु लीगी होते हैं तो उनकी वजह से, मोदी की वजह से बीजेपी की। ये राष्ट्रहित के लिए अपना वोट करना है, धारा 370 और राम मंदिर, 500 साल बाद राम मंदिर बनाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बनाए, लेकिन हमारे लिए तो मोदी काल का मतलब उसी में बनाया कार्यकाल में। बीजारों ने कितना परेशान किया, परेशान, रात को सो नहीं पाते हैं, सारी फसल को खा जाते हैं। सही चल रहा है मोदी जी का, बढ़िया काम है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, रोड पर बिजली पर विशेष ध्यान है उनका। जी वैकेंसी का क्या उम्मीद है, आएंगी टीचर की वैकेंसी की? अभी तो जो शिक्षा समिति का गठन है उसका गठन ही नहीं हुआ, उसके बाद में अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, लेकिन ये है कि आएंगी शायद। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी हाथरस लोकसभा की बहलौट गाँव में है। यहाँ पर ये हाथरस जो है एक SC रिजर्व सीट है। यहाँ पर जो उम्मीदवार है बसपा से हेम बाबू जी हैं, भाजपा से अनूप वाल्मीकि जी हैं और सपा से जसवीर वाल्मीकि जी हैं। बहलौत जो गांव है ये मुख्य रूप से एक ब्राह्मण बाहुल गांव है, और यहाँ इस लोकसभा में लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच कहीं ब्राह्मण यहाँ पर वोटर हैं। बहलौत गांव के कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। हमारी कोशिश है कि अलग अलग आवाज़ों को आप तक लाए, अलग अलग बिरादरियों से, अलग अलग वर्गों से, लोगों से की बात आप तक लाएं। तो अभी हम यहां पर ब्राह्मण समाज के बीच में भी आए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम हो जी? जी मेरा नाम मनोज शर्मा है। ज़ोर से बोलिए। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज शर्मा जी, जी बताएं, चुनाव आ रहा है लेकिन उससे पहले ये बताओ, नौजवान हो, पिछले 10 साल इस सरकार के आपके लिए कैसे रहे हैं? जी सरकार के काफ़ी अच्छे रहे हैं मेरे लिए, हमारे लिए काफ़ी विकास हुआ है। क्यों अच्छे लगे 10 साल? क्योंकि सर राष्ट्रहित के लिए और विकास भी काफ़ी हुआ है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ की सड़कें वगैरह बनी हैं और काफ़ी जो चीज़ था वो डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी। चलिए सड़कें का तो मैं आपसे अलग से बात करूँगा, लेकिन जिस गाड़ी में हम जितना घूमे हैं सड़कों की इतनी अच्छी हाल तो नहीं नज़र आए हैं, माफ़ करना। पर चलिए, हाँ जी, तब बाहर ना बच सके, बाहर ना बच सके सर, और जो एक्सीडेंट है जाएगा, एक्सीडेंट है जाएगा ना, आप ही देख लो जा क्या है। खाई सी खुद गई है जो खाई बाहर नहीं, अब तुम्हारी गाड़ी साड़ी उधर से आते हो तो बाहर रुक, बाहर नहीं जाते। एक सिंगल बाहर नहीं निकल सकता, सिंगल बाहर नहीं निकल सकता, जो है आधी सड़क बनी हुई है, आधी छोड़ दी, नहीं बनाएंगे, नाली नहीं बनाई। बताइए, ये लोग तो नाराज़ हो गए, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। चलिए आप पर काम चल रहा है ना, मीडिया आप ही देख रहे हो, सही कह रहे हैं आप ही, गाड़ी निकलेगी तो वापस जो है वापस ही जाएगी, सामने से आएगी तो। चलिए मैं आप क्योंकि हमारे बड़े हैं, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, आप लोगों पर अभी आता हूँ फिर, है ना। आप बताइए, चुनाव आ रहा है, आप यहाँ पर इसकी भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वैसे बताइए क्या रुझान लग रहा है इस चुनाव में? रुझान तो जो है बीजेपी को ज़्यादा है और जो है बसपा को है, बसपा और बीजेपी, टिड्डी बार और डुल लो है। हाँ जी, टिड्डी बार और है, जयपाल माहौर, ये कौन सी जयपाल कौन सी पार्टी से? निर्दलीय, निर्दलीय माहौर। लेकिन आप कह रहे हो बसपा और भाजपा के बीच में ही मुख्य चुनाव? हाँ यहाँ तो यही लगे। आपका कहाँ रुझान है 10 साल? आपने तो टिड्डी बार हूँ। हाँ जी, टिड्डी बार हो चुका है। आप निर्दलीय उम्मीदवार पर दे रहे हैं? हाँ निर्दलीय। अच्छा, ये आप निर्दलीय पर क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप निर्दलीय उम्मीदवार जो आपके टिड्डी आदमी है, टिड्डी बार हो, टिड्डी चला रहे हो। अच्छा, तो जो है कछु है जाए, जो बढ़ जाए। अच्छा, हाँ कब टाइम पे आ जाए, लोकल है, लोकल है आपके यहाँ पास से ही है? हाँ हाथरस को ही है, हाथरस का ही है, ठीक है। तो आप लोग को, अच्छा तो लोकल है, बाकी प्रत्याशी यहाँ के है नहीं तो इसलिए आप उनकी तरह, ठीक है। आपके वैसे गांव में समाज में और कितने लोगों का रुझान उस तरफ है? अभी तक ना जानकारी। अच्छा चलिए, आप बताइए एक चीज़ था कि यहाँ
तो आपने तो बहुत सारी सरकारें आती जाती देखी हैं, बहुत सारे मतलब पार्टियां आई हैं गई हैं, बहुत केंद्र में भी यूपी में भी, 10 साल आपके इस सरकार के अनुभव कैसे रहे हैं? अनुभव जो है विदेश तो विदेशी तो सही रहा, विदेश जो है विदेश नीति आपके सही रही है, परंतु जो है बाजार और किसान जो है ज़्यादातर मरे बाजार न दे उनते कहीं चक्कर है गई कम कछु है गो कम वो है गो तो किसान तो परेशान है बिजारों की शिकायत किसी भी बिरादरी के किसान हो हर जगह से और यहीं नहीं पूरे पश्चिम यूपी से लेकर यहां तक आते आते गन्ने बेल्ट से लेकर यहां तक आते आते सब की शिकायत है आवारा पशु ने बहुत फसल बर्बाद करी है जी। आप बताएं सर बीजेपी है एक महंगाई बहुत की है जो है महंगाई बहुत हुई है जो है महंगाई बहुत बहुत महंगाई हुई है इतनी किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नहीं हुई इतनी इसमें हुई है। बाकी तो और विदेश नीति और दूसरे आर्थिक गतिविधियां ना वो तो ठीक हैं चल रही हैं जो विदेश नीति तो चलिए उस पर भी हमेशा से विवाद चलते रहते हैं क्या ठीक बदले। लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप महंगाई कह रहे हैं क्योंकि आपका नाम क्या हुआ? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी आप बताइए आपने भी बहुत सरकारें आती जाती देखी है महंगाई से आप परेशान हैं इस बार आपको चुनाव में किधर रुझान है क्या आप भी इनकी तरह निर्दलीय पर जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? नहीं हमें तो बीजेपी को दिया है अभी तक वोट इस बार भी बीजेपी सोच रहे हैं। हाँ लेकिन आप जो कह रहे हैं महंगाई से आप परेशान हैं तो बीजेपी की तरफ क्यों इस बार सोच रहे हैं? महंगाई है अब चल रही है सरकार मोदी जी के 2 कार्यकाल देख रहे हैं तीसरा और देख रहे हैं लोग क्या मतलब आप एक कितने और मौके देने वाले हैं बिजार और महंगाई से जो परेशान आप हैं कितने और मौके देने की सोच रहे हैं? ये लास्ट मौका ही ये लास्ट मौका है। चलिए जी आपका नाम है? नाम राम प्रकाश शर्मा साहब। राम प्रकाश जी क्या करते हैं आप भी किसान हैं? हाँ साहब मैं भी किसान हूँ। मैं बड़ों के बीच में बैठ जाऊँ जरा। हाँ जी मैं भी किसान हूँ। हाँ जी हम जब सरकार से यह इतने खुश हैं कि जैसे कहते खुश केवल क्या बात है कि हालांकि हमारे लिए इसने कोई कर्जा माफ नहीं किया है न कोई वैसा किया है गरीबों के लिए मगर इतना हम ज़्यादा खुश हैं कि जहाँ हमारा देश गड्ढे में था हमारे देश को कोई जानता भी नहीं था आज हमारे देश को यानी कि बच्चा बच्चा जानता है कहीं चले जाओ किसी भी देश में चले जाओ। दूसरी बात यह है कि जाते जो है हमारा जो वोट आएगा है कहीं किसी को हम दे दें तो अंत तक हमें गिनती नहीं हो उस वोट की मगर बीजेपी में हमारी गिनती है हम क्यों नहीं बीजेपी में दें क्यों हम उसमें देने लगे सब वोट? तो गिनती से आपका क्या मतलब है बाकी पार्टियाँ क्या ब्राह्मण समाज को मानती नहीं है या कोई नहीं मानती है बाल भीम को बाल जयकारे लग रहे और अम्बेडकर के जयकारे लग रहे आई में तो बाबा भाई बढ़ जाते पहले मायावती की सरकार थी वहाँ में सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे हरिजन एक्ट लगाते थे कोई कुछ लगाते था आई में अब जहाँ में हम बच तो रहे हैं इसमें नहीं नहीं आप जय भीम के नारे जो कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं भाई वो तो सबके हैं वो सिर्फ दलितों के थोड़ी ना है वो तो सबके हैं डॉक्टर अम्बेडकर। फिर भी ये कितने के ऊपर तो हरिजन एक्ट लग गई थी और कितने के ऊपर वो थी आई में आपको लग रहा है कि वो नाजायज लग रही थी? नाजायज तो थी। अच्छा बिल्कुल नाजायज थी। अच्छा क्यों लगी थी हरिजन कह तो उनकी मनमानी करो उनकी जो है उनकी सुनो अच्छा। और नहीं तो फिर सारी हरिजन एक्ट छोको। अच्छा अच्छा ठीक है आप कुछ कह रहे थे अंकल अभी? यो कह रहा हूँ जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान है लोग बिजारों से। हाँ एक्सीडेंट होते हैं जगह और वो पक्की जगह पर ही बैठते हैं जो सड़कें चौराहे में एक्सीडेंट होते हैं बहुत। ठीक है तो उससे आप बहुत परेशान तो हैं सब। ठीक है तो कोई सुरक्षित नहीं है जो। लेकिन मौका फिर से दे रहे हैं। ठीक है चलिए आइए आप और उसे भी बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी क्या करते हैं साहब आप? हम तो साहब बीजेपी ही देंगे अब की बार फर्स्ट एंड फाइनल हमेशा से बीजेपी देते हैं ना कांग्रेस में पहले कांग्रेस में थे पहले क्या हुआ है इस बार बीजेपी क्यों सोच रहे हैं फिर या पिछले 10 सालों से ही बीजेपी कर रहे हैं? बीजेपी 10 साल से दे रहे कोई लाभ हो या ना हो कछु लीगी होते हैं तो उनकी वजह से मोदी की वजह से बीजेपी की बाकी और बाकी कछु लाभ हो या ना हो ना फिर हो, भी भाजपा मतलब भक्ति है ये पूरी भक्ति इसी को भक्ति कहते हैं शायद लोग। अच्छा चलिए फिर मैं आपसे क्या सवाल पूछूं अगर आप लाभ या वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं सरकार में। जी साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंटू शर्मा है। सिंटू क्या करते हो? मैं अभी कुछ नहीं प्राइवेट बिजनेस कर रहा हूँ। प्राइवेट बिजनेस क्या बिजनेस है हमारी? मैं फार्म हाउस है गेस्ट हाउस है। फार्म हाउस गेस्ट हाउस है अरे वाह कहाँ पर है यार बताओ हम भी ढूंढ रहे हैं कमरा। बिल्कुल गांव में घुसते ही ये श्री कृष्ण फार्म हाउस ही अपना ही है मेरा। अच्छा ठीक है तो सबको रेंट पर देते हो या किसके लिए? शादी के लिए। शादी के लिए मैरिज हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बताओ जी क्या सोच रहे हो इस चुनाव में?
जी कुछ नहीं, ये राष्ट्र हित के लिए अपना वोट करना है, धारा 370 और राम मंदिर और सब कानून व्यवस्था भी अच्छी चल रही है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है। धारा 370 में मतलब क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? फायदा कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारे फौजी भाइयों पे जो पत्थर चलते थे, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, वो कम हुए हैं। पत्थरबाजी तो खत्म ही हो गई, एकदम शून्य हो गया है। 370 लेकिन है क्या, मतलब जो आप कह रहे हैं हटाने से अच्छा हुआ राष्ट्र हित में, है क्या 370? राष्ट्र हित में ये है कि अब पूरा राष्ट्र एक है, वहाँ का झंडा अलग होता था, वहाँ हम तिरंगा फहराने की दिक्कत होती थी। 370 की बात कर रहे हैं, वैसे ही 371 भी है उत्तर पूर्वी भारत में, वही लगभग कानून है। उन्होंने लद्दाख जो एक अलग वहाँ पर अब वो बना दिया यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर भी यही मांग हो रही है कि 6th शेड्यूल के तहत हमको वो अलग कानून चाहिए जो उत्तर पूर्वी भारत के भी आदिवासी इलाकों में है। तो वो तो एक तरीके से सिर्फ कश्मीर के, मतलब लेकिन तो लगभग वही कानून बहुत सारी और जगह भी हैं देश लेकिन में। लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं जो अभी हमें दिखाई दे रही हैं, जो सुधार में हैं, हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आगे होने वाला क्या है इसकी तो अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, और मोदी जी पर पूरा विश्वास है? मोदी जी पर विश्वास, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये बताओ लोकल में, मुझे बताओ 370 तो चलो आप बताओ, मतलब लोकल क्या में मुद्दे, मुझे ये बताओ कि 370 तो वो तो फिर वही वाले कानून बहुत सारी और जगह है, उसका तो बस मुद्दा बना दिया गया है। 371 भी वही है, उनके ही गुजरात में दमनंदियों में भी 371 की सेम धाराएं हैं, वो तो कभी नहीं हटी हैं। वो तो छोड़ दीजिए, 370 तो बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बोलते सब हैं, पता है। 500 साल बाद राम मंदिर बनाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बनाए, लेकिन हमारे लिए तो मोदी काल का मतलब उसी में बनाया कार्यकाल में। आपको मतलब धार्मिक मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे? धार्मिक मुद्दे भी हैं, विकास के मुद्दे भी हैं। विकास का बताइए, आपके सारे बुजुर्ग तो बहुत नाराज हैं यहाँ पर। अब देखिए हर किसी की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग वोट है। सड़के का था बुला, हमारी हाथरस में तो कमर की हालत टाइट हो चुकी है हमारी। तो आप जलेसर रोड पे गए होंगे, वहाँ विकास अभी चल रहा है, हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारी ये सड़क भी पहले यही हालत थी। चलो 10 साल में, 10 साल पहले यही हालत थी इस सड़क की। ये सिंगल रोड थे पहले, अब डबल हो गए और एक एक दो दो बार हो गए। अच्छा, ये रोड भी अभी बना है, पहले यहाँ डाबर था, अब सीमेंटेड हुआ है। और आगे देखिए होता है विकास कार्य, इसमें इस होता है नहीं होता, ये तो वैसे प्रधान के अंडर है। चलिए चलिए जी साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि शर्मा। रवि जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, बिजारों ने कितना परेशान किया था? परेशान, रात को सो नहीं पाते हैं, सारी फसल अच्छा? को खा जाते हैं। क्या उगाते हैं? आलू वगैरह उगाते हैं? आलू हैं, गेहूँ हैं, वैसे बाजरा है, बाजरा भी है। तो फिर क्या कर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है बिजार से? नुकसान हो जाता है 70% 80% नहीं रहो तो बिल्कुल नुकसान है, पूरा साफ हो जाता है। तो फिर आप बताइए कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? निर्दलीय उम्मीदवार। आप भी निर्दलीय उम्मीदवार? आप बताइए रवि जी, यहाँ जैसे बाबूजी भी निर्दलीय उम्मीदवार को दे रहे हैं, आप भी निर्दलीय उम्मीदवार को दे रहे हैं, इधर है क्या मतलब सिर्फ इस गाँव में उसके लिए रुझान है या आसपास भी? हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पे है नहीं। अच्छा, आप कांग्रेस ही हैं? हाँ, वो सादा सिंपल आदमी है। अच्छा, तो ज्यादा नहीं। तो बाकी आसपास कितना रुझान है निर्दलीय के लिए? कि हम तो इस गांव में पहली बार उनका नाम सुने हैं तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। गांव में है 20-25% हमारे 20, और आसपास के गांव में भी है वो पद? आसपास भी, हाथरस में भी है, काफी रुझान है, इनका रुझान है। हाँ, हाँ, निर्दलीय हाँ, हाँ, सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो लोकल ऐसा वो लोकल और बाहरी प्रत्याशी का वो चल रहा है, तो उस वजह से काफी संगठन है जो इनके सपोर्ट में आ गए, जैसे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद और वो। अच्छा। कुछ संगठन इनके सपोर्ट इनके में हैं। सपोर्ट हाँ हाँ हाँ, 13 मतलब ये है कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद अगर इनके समर्थन में जा रहा है तो वो तो भाजपा का नुकसान करेगा फिर। हाँ, हो सकता है, देखो कोशिश डेंजरस हो जाएगा मामला। अच्छा जी, तो आप बताइए फिर, आप क्या कह रहे थे, बीजारों से परेशान है, आप निर्दलीय पर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान है। तो अगर यहाँ कांग्रेस को गठबंधन से कांग्रेस को सीट मिली होती सपा की तरफ तो तब आप कहाँ जाते, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आप कांग्रेस ही हैं? नहीं, कांग्रेस को ही देते फिर? नहीं, कांग्रेस को देते आप, मतलब पक्के कांग्रेस ही? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है, आइए साहब, आगे बोलो। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम दलवीर सिंह है। जोर से बोलिए। दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी कहाँ रहते हैं? इसी गाँव के? इसी गाँव के। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं, कैसा रहा है आपके लिए 10 साल सब्जी बेचते हैं आप? बढ़िया रहा है वो। हाँ, आगे भी कुछ बताओ, क्यों बढ़िया रहा है? आमदन बढ़ी है, महंगाई कम हुई है, क्या हुआ है? महंगाई और सब जैसे सवर्ण का जैसे मकाजी, मकाई का अलग है, अलग से आपको महंगाई नहीं है, सबकी है। अब ये क्या की है? अच्छा, तो सब पिस रहे हैं तो हम भी पिसे महंगाई में, और सा इसको कहते हैं एकता में शक्ति। जी कहाँ जा रहे हैं? वोट कहाँ जा रहे हैं?
वोट बीजेपी में जाए, वोट बीजेपी में जा रहे हैं। क्या काम अच्छे लगे महंगाई के अलावा? पक्की रास्ता, खूब बढ़िया रोजगार चल रहा है, गली बढ़िया बन रही है, और कहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए साहब, आप क्या क्या नाम हुआ जी? राजीव दुबे। इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, आगे। हाँ जी, राजीव दुबे जी क्या करते हैं? दुकान करते हैं, परचूनी की भैया। परचूनी की दुकान है? हाँ जी। कैसा रहा है 10 साल परचूनी की दुकान, मतलब छोटे व्यवहार के लिए? ठीक चल रहा है, अच्छा है। GST नोटबंदी से कोई दिक्कतें हैं? ना, हमें कोई परेशानी आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो कोई काम होता है नया, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है भाई। ठीक है, लेकिन अभी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, पिकअप हो गया? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप इस चुनाव में? अरे अब तो वही मतलब मोदी जी के लिए जाएगा वोट तो भाई, जो प्रत्याशी नहीं देख रहे, मोदी जी देख रहे। हाँ, सही चल रहा है मोदी जी का, बढ़िया काम है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, रोड पर बिजली पर विशेष ध्यान है उनका। अच्छा। हाँ, एक नंबर काम चल रहा है। चलिए, तो अब ये बताइए आपका मतलब आप भी किसान हैं? हाँ। तो यहाँ पर जो बिजारों से लोग परेशान हैं उसका क्या स्थिति है? उसकी यही स्थिति है कि भाई अपना झटका बटका लगा के काम कर रहे हैं भाई, और क्या है भाई, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, कोई परेशानी है तो। ठीक है। हाँ, और छोड़ गया यार? नहीं, मोदी जी छोड़ रहे, नहीं योगी जी छोड़ रहे हैं, ये सभी गांव लोग, गांव के बस्ती के लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, छूटे तो अलग कारणों से है ना, कुछ नियम बदले हैं जब से योगी जी की सरकार आई है, इसलिए बिजार निकले हैं, पहले तो बंद रहते थे, कोई कारण था ना कि नहीं होते थे? बिजार तो पहले भी थे, पर पहले कम थे, अब ज़्यादा है। तो ज़्यादा हो गए अब तो, खैर। हाँ, आपका क्या नाम हुआ नौजवान जी? मेरा नाम मनु शर्मा। मनु शर्मा क्या करते हैं जी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और खेती बाड़ी भी करते हैं जी। बताओ, पढ़ क्या रहे हो आप जी? मैं DLED कर रहा हूँ। BLED कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बताइए BLED अभी इसके बाद क्या टीचर की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ जी। क्या उम्मीद है, मतलब वैकेंसीज आएंगी जल्दी? वैकेंसी, हेलो, एक मिनट सर। फ़ोन आ गया, आजकल फ़ोन पर किसी को नहीं परेशान करना चाहिए। वैकेंसी आ गई लग रहा है इनकी। मनु जी इस तरफ आइए जी। वैकेंसी का क्या उम्मीद है, आएंगी टीचर की? वैकेंसी की अभी तो जो शिक्षा समिति का गठन है उसका गठन ही नहीं हुआ, उसके बाद में अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, लेकिन ये है कि आएंगी शायद जैसे 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 पुलिस की वैकेंसी खुली थी 69,000। हाँ, वैसे भी दूसरा अभी अभी एक दो साल में ये भी है कि DLED कंप्लीट भी होगा हमारा, तो उम्मीद है तब तक आ जाएगी शायद, और जब भी आए तब भी ठीक है हमारे लिए तो। जब भी आए तब भी ठीक है, आए ना आए तब भी ठीक है। नहीं, आए नहीं, जब भी आए जब ठीक है, जब तक ही क्लियर हो पाएगा तब तक आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो, नौजवान हो? वही है, एक ही ऑप्शन, मोदी जी, बस मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं, उम्मीदवार से मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्यों देख रहे हो मोदी जी को? उन्होंने काम अच्छे किए हैं। जैसे? जैसे कि अब पूरे शौचालय आए, आवास विकास योजना, प्रधानमंत्री जो आवास लाभकारी नीति है, वेलफेयर स्कीम्स आपको पसंद आई है? हाँ। आवास योजना और आपका जो क्या बोलने उसको, जो प्रधानमंत्री के जो किसानों के खाते में जो पैसे आ रहे हैं 500 रुपए सम्मान निधि का। मुझे एक चीज़ बताओ, वैसे हम जितने भी किसानों से यहाँ बात करी है, पश्चिम यूपी से लेकर यहाँ तक, हम अक्सर पूछते हैं आवास सम्मान निधि का। अब किसान कहते हैं वो वापस ले लो, हमारा गांव खेत बिजारों से बचा दो, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 500 रुपये जो आ रहे हैं महीने के, उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना बिजारों ने नुकसान किया है। अब है जी, सही बात है, सही बात है साहब। हाँ जी, 500 रुपया ले लो, अगर बिजारों से छुटकारा दिला दो तो किसान है का अपनी फसल को तो अच्छी तरह अपने घर पे तो लेके आ सकता है, पेट में नहीं खा सकता है, खेत में लगाता है, अपने तन पे नहीं पहन सकता है, पेट में नहीं खाता है, तन पे नहीं पहन सकता है, और खेत में लाग लगाता है, उसे बिजार रहेगा चौपड़ कर जाते तो क्या करेगा किसान रहेगा, चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है कटोरा लेके। सबसे ज्यादा परेशानी बिजारों से है, ये बिजारों से छुटकारा मिल जाए तो किसान रहेगा स्वतंत्र तो रहेगा। तो 500 रुपए की जरूरत नहीं है हमें, 500 रुपए की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ले ले मोदी जी 500 रुपया। अच्छा, हाँ, हमसे ही ले, लेकिन बिजार को यानी यहाँ से हटा दिया जाए। चलिए, आप कुछ कह रहे थे? अरे वो जो चाचा बता रहे थे। हाँ। वो छोड़े ही हम लोगों ने तो हम छोड़ी ना सर, पहले नहीं होते थे, कुछ नीतियां बदली हैं जिसके तहत छूटे हैं। उसके लिए तो राज्य सरकार की ओर से फंडिंग भी आ रही है, गौशाला भी वगैरह बनी है, लेकिन उसमें हाल वही है कि आज अगर आपने घंटे कर लिए उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में कोई वो है नहीं, बस काम नहीं हो रहा उस स्तर पर, उस तरफ काम नहीं हो रहा, बाकी व्यवस्था जा रही है, बाकी लेकिन जाएंगे मोदी जी एक दो लोग। हाँ, बस यही है, चेहरा उन्हीं का है। हम अभी बहलौट गाँव में है,
मुख्य रूप से अभी हमने बामन समाज के लोगों से बात करी, नौजवानों से भी, हमारे बड़े बुजुर्गों से भी, अंकल से मध्यम वर्गीय वालों से भी, सबसे बात हुई। और रुझान लगभग यहाँ पर एक तरफा भाजपा लग रहा है, लेकिन पहली बार इस गांव में आके हमने स्वतः यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार है जयपाल साहब, उनका भी नाम यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार है जयपाल साहब, उनका भी नाम यहाँ पहली बार सुना। कुछ लोगों का रुझान उधर है और कहना है कि आगे भी उनका रुझान है। लोग कह रहे हैं बाकी सारे प्रत्याशी बाहर से हैं तो इसलिए हम निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक नई चीज़ पता चली। इसके लिए बहलौत गांव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें कुछ नया बताया अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। जुड़े रहे CCA के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ सफ़र करते रहें। आपका साथ ही हमको और हमारे चैनल को बढ़ाता रहता है। धन्यवाद।